हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग का पढ़ाई ठीक ठाक चल रहा होगा और आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही होगी। तो आज आपके लिए एक स्पेशल मॉड्यूल सेट जो जैक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, मैं उसका सॉल्यूशन लेके आया हूं। शायद ये आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आपकी तैयारी को और अच्छा करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका कुछ इंस्ट्रक्शन जारी किया गया है, वो इंस्ट्रक्शन देखते हैं ना। तो देखिए, जो आपका जो टाइम दिया गया है वो टाइम है 3 आवर। थ्री आवर एंड जो मार्क्स है, टोटल मार्क्स वो 80 मार्क्स का है। और जब से लॉकडाउन लगा उसके बाद से ये 2 टर्म एग्जाम होते थे, बट दिस टाइम ये एक ही टर्म एग्जाम कराया जा रहा है। और ये यहाँ जो एक्सप्लेनेशन हम करने वाले हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन, और इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव भी देखेंगे। तो यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कैंडिडेट शुड आंसर इन दियर ओन वर्ड एज मच एज पॉसिबल। तो कैंडिडेट को आंसर देना है अपने शब्दों में। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब क्या है, कंपलसरी है। एंड क्वेश्चन नंबर 1 to 30 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन हैव 4 ऑप्शन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, और हर एक सही के लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा, 1 मार्क प्रोवाइड किया जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 31 to 38 आर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो आप देख लीजिए, 31 से 38 जो है वो वेरी शॉर्ट आंसर आपको प्रोवाइड करना है। एंड आउट ऑफ विच इट इज मैंडेटरी टू आंसर एनी 6 क्वेश्चन। तो यहाँ 8 क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं जिसमें मैंडेटरी जो है, जो निश्चित तौर पे आपको 6 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देना है। एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32, 39 to 46 आर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। आउट ऑफ ईच इट इज मैंडेटरी टू आंसर एनी 6 क्वेश्चन। तो आपको 39 से लेकर 46 तक 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 47 to 52, यानी कि आपके टोटल्स जो क्वेश्चन हुए 52 हुए ना, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो पहले ऑब्जेक्टिव है, इसके बाद आपको सब्जेक्टिव को 3 भागों में बांटा है। एक है 2 नंबर का क्वेश्चन है, फिर 3 मार्क्स का है, और इसके बाद 5 मार्क्स का है, ठीक ना। तो इसमें भी आपको ये चॉइस दे दिया है कि क्वेश्चन नंबर 47 to 52 आर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, इट इज मैंडेटरी टू आंसर एनी 4 क्वेश्चंस। आपके पास मैंडेटरी ऑप्शन मिल गया कि 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स, और हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक ना। तो अब हम लोग देखते हैं इसका जो एमसीक्यू, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा वो किस प्रकार से है, हम लोग उसको कैसे सोल्व करेंगे, ये चीजें हम लोग अब देखने वाले हैं, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन है, आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, एग्जाम में जाएंगे तो ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। पहला क्वेश्चन कि वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन अ नोटिस। सैल्यूटेशन आप अक्सर देखे होंगे जब लेटर राइटिंग होता है, तो लेटर राइटिंग में ये मेंशन किया जाता है, नोटिस में सैल्यूटेशन लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं होती है। तो चलो पढ़ते हैं। ऑप्शन दिया जस्ट अबव द डेट, जस्ट बिलो द डेट, अलोंग विद द डेट, डी ऑप्शन है, देयर इज नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन इन ए नोटिस। तो नोटिस में हमें सैल्यूटेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एंड दिस विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन 1 के लिए राइट आंसर क्या है, डी, ठीक ना। तो आंसर आपका डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, नोटिसेस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर। तो नोटिस जो लिखा जाता है
स्कूल और कॉलेज में वो अनाउंसमेंट किसके लिए करता है? प्रिंसिपल, हेडमास्टर, स्टूडेंट्स, प्यून। तो देखो, जो भी नोटिस लिखा जाता है स्कूल और कॉलेज में वो लिखा जाता है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटर्स टू द एडिटर। एडिटर हम लोग न्यूज़पेपर में देखे हैं, न्यूज़पेपर से रिलेटेड ये टर्म है, इसलिए ये जो ऑप्शन दिया हुआ है कि न्यूज़पेपर, स्कूल, कॉलेज, क्लब, तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा? न्यूज़पेपर। क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर क्या होगा? ए, न्यूज़पेपर। लेटर्स टू द एडिटर आर रिटन फॉर न्यूज़पेपर। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। What is the setting of the lesson of the last lesson? तो आपको ये पढ़ाया गया है, ये बहुत अच्छे तरीके से मैं ऑफलाइन बैच में डिस्कस किया हूं। द लास्ट लेसन, आप द लास्ट लेसन पढ़े हैं, जिसके यहां से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, लेकिन उसमें से एक दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, इसके राइटर का नाम पूछ देता है। राइटर का नाम क्या है? अल्फोंस डॉडेट, ठीक ना। तो अल्फोंस डॉडेट के द्वारा लिखा गया है ये द लास्ट लेसन। चलो, तो ये बोला है कि सेटिंग क्या है, ये जो द लास्ट लेसन जो है वो का सेटिंग जो है, हम ये देखे हैं कि फ्रैंको प्रशियन वार, ये पढ़े हैं फ्रैंको प्रशियन वार इसकी सेटिंग है, और ये फ्रैंको प्रशियन वार कब से कब हुआ? तो 1872-1871। और इसमें मेनली हम लोग को दो कैरेक्टर मिले थे, ठीक ना, एक एम हैमल मिले थे और दूसरा जो था वो फ्रेंच। एम हैमल के बारे में हम लोग ये पढ़े कि एम हैमल जो है वो बिलोंग्स करते हैं फ्रांस से, एंड ही वाज द टीचर हु सर्व द सोसाइटी फॉर 40 इयर्स। ये सोसाइटी को 40 सालों से सेवा किया, एंड ही टीचेज फ्रेंच इन द स्कूल ऑफ फ्रांस। तो फ्रेंच भाषा के टीचर है और ये उनका स्टूडेंट है जिसका नाम क्या है? फ्रांस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। विच कंट्री डिड फ्रेंच बिलोंग टू? तो देखो, फ्रेंच फ्रांस, ठीक ना। यहाँ देख लीजिए फ्रैंको प्रशियन वार, फ्रैंको यहाँ रिप्रेजेंट करता है फ्रांस को, अब प्रशिया जो है वो जर्मनी, अभी जो जर्मनी आप देख रहे हैं वही प्रशिया हुआ करता था ना। तो यहाँ जो सवाल पूछा है कि फ्रेंच किस कंट्री से बिलोंग करता है, तो यहाँ देखो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। अभी जस्ट हम लोग पढ़ ली कि फ्रांस जो है वो फ्रांस से बिलोंग करता है, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, प्रशिया। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, फ्रांस। चलिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इज योर स्कूल रेडी टू आस्क दिस क्वेश्चन? तो सबसे पहले तो ये बता दें कि दिस चैप्टर, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर 2 ऑफ योर बुक फ्लेमिंगो। आपकी जो फ्लेमिंगो बुक है उसके चैप्टर, आपके चैप्टर नंबर 2 लिया, टू से लिया गया है ये लाइन, जिसका नाम है लोस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। लोस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ये आपके चैप्टर नंबर 2 है फ्लेमिंगो के, ठीक ना। लोस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जिसके राइटर हैं एनिस जंग। एनिस जंग के द्वारा लिखा गया है ये चैप्टर लोस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। और इसमें दो पार्ट है, दो पार्ट में स्टोरी डिस्कस किया गया ना। पहले पार्ट में एक रैट पिकर की कहानी है और दूसरे पार्ट में बैगल मेकर की कहानी है, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन को समझते हैं। इज योर स्कूल रेडी हु आस्क दिस क्वेश्चन? तो आप जब चैप्टर ये स्टार्ट हम लोग किए थे तो उसमें देखे थे कि
जो पहला पार्ट था रैक पिकर का था, रैक पिकर सीमापुरी में रहते हैं जो दिल्ली के आउटस्कर्ट पर बसा हुआ है और वही उसी के आसपास राइटर रहा करते थे। तो राइटर जब ये मिलते हैं साहेब से, उसमें कैरेक्टर साहेब नाम का, तो रैक पिकर है, रैक पिकिंग का काम करता है, कबाड़ चुनने का काम करता है। तो जब वो मिलते हैं तो वो कहते हैं कि तुम लोग स्कूल क्यों नहीं जाते हो, ठीक ना। तो वो कहता है कि हमारे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है इसलिए हम लोग स्कूल जाते नहीं है। तो वो बोलते हैं कि अगर हम स्कूल बना देंगे तो तुम जाओगे। तो वो बोलता है कि ऑफकोर्स बेशक हम जाएंगे। तो यहाँ पे जब सेकेंड बार में राइटर से ये साहेब मिलता है तो साहेब वो सवाल कर देता है कि इज योर स्कूल रेडी, कि क्या आपका स्कूल रेडी है। तो ये सवाल किसके द्वारा किया गया, साहेब के द्वारा, ठीक ना। तो यहाँ देख लो ऑप्शन डी, साहेब, साहेब मदर नहीं की थी, साहेब फ्रेंड ये नहीं थे, मुकेश, मुकेश जो कैरेक्टर है वो इसी लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड के दूसरे पार्ट जो बैंगल विकर की स्टोरी है उसका कैरेक्टर है। चलिए क्वेश्चन सेवन देखते हैं। द रैक पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव परमिट्स, पासपोर्ट, राशन कार्ड, पैन कार्ड। तो देखो रैक पिकर्स के पास कोई आइडेंटिटी नहीं है बट उनको ना गवर्नमेंट जो है वो क्या बना दी है, राशन कार्ड बना दी है, इसीलिए उनका नाम वोटर लिस्ट में भी आ गया है और वो वोट भी दे सकते हैं, ठीक ना। तो राशन कार्ड उनके पास मिल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर एट, डीप वाटर। तो डीप वाटर हम लोग पढ़े हैं, डीप वाटर जो चैप्टर है वो लिया गया है मेन एंड माउंटेन से, ऑफ मेन एंड माउंटेन से, जिसके राइटर हैं विलियम ओ डगलस, विलियम ओ डगलस के द्वारा लिखा गया है चैप्टर ऑफ मेन एंड डीप वाटर। और ये डीप वाटर एक्सट्रैक्ट है जो लिया गया है मेन एंड माउंटेन से। तो आप हम यहां देख सकते हैं विलियम ओ डगलस ये राइटर हैं जिन्होंने डीप वाटर नामक स्टोरी को लिखे और ये डीप वाटर एक्सट्रैक्ट है जो लिया गया है मेन एंड माउंटेन से। तो बी विल बी द राइट आंसर टू क्वेश्चन एट। तो चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नाइन, व्हाई डिड डगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर। तो डगलस एक इंस्ट्रक्टर को हायर करते हैं ना, डगलस जो है वो एक इंस्ट्रक्टर को हायर करते हैं। चलिए तो इसमें हम लोग जो डीप वाटर है उसमें यही देखे हैं कि जो विलियम ओ डगलस है अपने बचपन के एक्सपीरियंस को बताए हैं, जो बचपन में उनको पानी से डर था उसके बारे में बताया है, हाउ ही कंकेयर ऑन फियर ऑफ वाटर, और वो पानी पे जो डर था उस पर कैसे विजय प्राप्त किए वो इस चैप्टर में बताया गया है। तो पानी पे विजय प्राप्त करने के लिए उनको स्विमिंग अच्छे तरीके से आना चाहिए और स्विमिंग के लिए उनको एक इंस्ट्रक्टर को हायर करना पड़ा था, ये हम लोग डिस्कस कर लिए थे। तो चलते हैं देखते हैं ऑप्शन टू, पार्टिसिपेट इन स्विमिंग कॉम्पिटिशन। तो स्विमिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट होने के लिए हमें किसी इंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं है, सीखने के लिए जरूरत है इंस्ट्रक्टर। टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल नहीं, टू एफ्लुएंट ये भी ऑप्शन नहीं होगा, टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड टू लर्न स्विमिंग, ये आंसर सही होगा कि पानी पे डर जो था, पानी से जो डर था उस डर से पे विजय प्राप्त करने के लिए वो तैराकी सीखना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने हायर किया था इंस्ट्रक्टर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, व्हाट डिड द ओल्ड मैन ऑफर टू रैट ट्रैप पेडलर। ये जो क्वेश्चन है वो लिया गया है द रैट ट्रैप से, रैट ट्रैप आप जान रहे हो, रैट ट्रैप से लिया गया है, ठीक ना। तो रैट ट्रैप में हम लोग ये देखे कि तीन चार कैरेक्टर आए उसमें, जो मैनली कैरेक्टर था वो कौन था, तो एक रैट ट्रैप पेडलर था और
ये एक्चुअली इसका काम क्या था, तो सेलिंग रैप्टर, वो घूम घूम कर चूहेदान बेचा करता था। तो एक दिन वो ओल्ड मैन के घर के पास जाता है और वहां पे नॉकिंग करता है। ओल्ड मैन आता है, ओल्ड मैन अकेले अकेले रहता है, वो अक्सर चाहता है कि मेरे साथ कोई आदमी आए और बातचीत करे। तो जब वो जाता है वहां पे, तो वो बहुत अच्छे तरीके से ओल्ड मैन उसकी खातिरदारी करता है, उसका स्वागत करता है और उसको खिलाया था क्या क्या, पॉरिज खिलाया था और टोबैको, लास्ट में लोग टोबैको तो कुछ पाइप वगैरह यूज किए थे। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट, यानी कि दोनों चीज, तो बोथ ए एंड सी, ये आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 11। व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वाज स्टोलन फ्रॉम क्रॉफ्टर स्पाउस। तो ये कहानी में जब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, उस दिन उसकी स्वागत काफी अच्छे तरीके से किया गया था। ये क्रॉफ्टर वही ओल्ड मैन है जो रैट्रैप सेलर को, रैट्रैप पेडलर को स्वागत किया था। अब उसने क्या कर रहा कि विश्वास दिलाने के लिए कि देखो भाई हम कुछ पैसा भी कमाते हैं, मेरे पास काऊ है और उसी काऊ से हम उसको मिल्किंग करते हैं और मिल्क को मार्केट में ले जाकर बेचते हैं और उससे हमको पैसा मिला है। वो 30 क्रोनर दिखाया था, ठीक ना, तो 30 क्रोनर दिखाया था। और फिर बाद में सुबह होता है और ये आदमी जो है वो रैट्रैप सेलर वो पैसा लेकर भाग जाता है, ठीक ना। तो दिखाया कितना था, 30 क्रोनर, तो पैसा उतने लेके जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फिर 11 पढ़ते हैं। व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वाज स्टोलन फ्रॉम क्रॉफ्टर्स पाउच, क्रॉफ्टर के पाउच से कितने पैसे चुराए गए थे, ठीक ना। तो यहाँ ध्यान देना है, ऑप्शन सब एक जैसा लग रहा है, केवल करेंसी की को बदल दिया गया है। $30, 30 क्रोनर्स, 30 रुपीज, $40। तो यहाँ 30 क्रोनर्स आंसर होगा, क्योंकि उसने 30 क्रोनर दिखाया था, 3 नोट्स थे उसके पास, 10 10 क्रोनर के। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। वेयर वॉज द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड। तो ये दिस चैप्टर, दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम चैप्टर इंडिगो, रिटेन बाय लुइस फिशर। ये इंडिगो नामक चैप्टर से लिया गया है और इसके राइटर जो है वो कौन है, लुइस फिशर। एक बात और याद रखना है कि ये जो चैप्टर है इंडिगो लिया गया है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से, ठीक ना। तो इसमें बातचीत की गई है कि गांधी जी के जीवन के बारे में, कि गांधी जी को कैसे कोलकाता से, गांधी जी को कैसे एक फार्मर है जिनका नाम है राजकुमार शुक्ला, वो एग्री कराते हैं कि आप बिहार चलिए, और चंपारण बहुत बड़ी घटना हुई थी और गांधी जी का जीवन वहीं से बदला था, गांधी जी को पहचान चंपारण की घटना से मिली थी। तो इस चैप्टर में यही वर्णन किया गया है, ठीक ना। और वहाँ इंडिगो से रिलेटेड एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। तो क्वेश्चन जो है 12 फिर से हम पढ़ते हैं। वेयर वाज द एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड, कहाँ हुआ था। तो ये कांग्रेस पार्टी के जो अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था 1916 में, ठीक ना। तो ये लखनऊ में हुआ था और वहीं पे गए थे राजकुमार शुक्ला, जो चंपारण से बिलोंग करते हैं, गांधी जी से अपनी समस्या कहने नहीं गए थे, क्योंकि उस समय गांधी जी इतनी फेमस नहीं थे। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में इस मुद्दे को पहुंचाना चाह रहे थे, पहुंचाने के लिए गए थे। तो किसी ने उनको एडवाइस किया था कि आप गांधी जी से मिलो, ठीक ना। और फिर उन्होंने गांधी जी से अपनी समस्या बोला और फिर वो गांधी जी को एग्री करा लेते हैं बिहार जाने के लिए। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द डॉट डॉट। तो ये जो क्वेश्चन है वो लिया गया है पोएट एंड पैनकेक से, पोएट एंड पैनकेक्स। पैनकेक्स एक ब्रांड नेम है मेकअप मटेरियल का, जो जैमनी स्टूडियो में यूज हुआ करता था, और इसके राइटर का नाम है अशोका मित्र, ठीक ना। पोएट एंड पैनकेक्स के जो राइटर है वो कौन है, अशोका मित्र। और ये पैनकेक जो है वो ब्रांड नेम है, किसका ब्रांड नेम है, मेकअप मटेरियल का, जो यूज होता था कहा, जैमनी स्टूडियो में ना। तो इस चैप्टर में पोएट एंड पैनकेक्स में अशोका मित्र जो है यही बताया है कि वर्किंग कल्चर
जापनीज स्टूडियो में क्या हुआ करता था। जापनीज स्टूडियो जो साउथ में स्थित था, 1940 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके जो बॉस थे मिस्टर एशेश वासन, तो उन्हीं के अंदर वो काम किया करते थे अशोका मित्र, और वही इसमें अपनी वर्किंग कल्चर जो जापनीज स्टूडियो का था उसके बारे में बताया। चलो यहाँ सवाल भी पूछ दिया, तो इसका आंसर क्या होगा बाबू? ये आंसर हो जाएगा मेकअप मटेरियल का, ये ब्रांड नेम है, पैंथिक जो है ब्रांड नेम है किसका? मेकअप मटेरियल का। चलिए तो क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, 14 नंबर क्वेश्चन, हु वाज द बॉस ऑफ जापनीज स्टूडियो? तो जापनीज स्टूडियो के बॉस हैं मिस्टर वासन, तो मिस्टर वासन जो है वो जापनीज स्टूडियो के क्या है? बॉस है, ठीक ना। चलिए यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिया गया है, कोठा मंगलम सुबु जो जापनीज स्टूडियो में नंबर 2 पे है, स्टीफन स्पेंडर जो ये पोएट है, अंग्रेजी पोएट है जो जापनीज स्टूडियो में आए थे, और इनका जो आना था वो एक रहस्य भी बना रह गया था, ये जैसा कि चैप्टर में हम लोग देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है कि डैनी केसी वाज ए प्लेयर इन द फुटबॉल टीम। डैनी केसी जो है वो प्लेयर है फुटबॉल टीम का, किस टीम का वो प्लेयर है? तो देखो ये जो चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर का नाम है Going Places, जो लिखा गया है A.R. Barton के द्वारा ना, तो उसमें एक लड़की है जिसका नाम है सोफी, जो बहुत वेरी डियर ड्रीमर, वो बहुत स्वप्नशील लड़की है, तो उसी के बारे में बताया गया है। तो ये डैनी केसी जो है वो आयरलैंड का खिलाड़ी है, वो आयरलैंड टीम से वो खेलने का काम करता है, इसमें कुछ बड़ा बात नहीं है। ये चैप्टर अगर कोई पढ़ा होगा तो एकदम आसानी से इसका आंसर लिखेगा कि आयरलैंड का वो फुटबॉल प्लेयर है, ठीक ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 16, सोफी वाज ए यंग गर्ल हु ड्रीम टू बी, सोफी जैसा अभी बताएं कि गोइंग प्लेसेस में ऐसे तो ज्यादा कैरेक्टर है, लेकिन सोफी और जैंसी दो कैरेक्टर हैं, तो सोफी बहुत डे ड्रीमर लड़की है, स्वप्नशील लड़की है, स्वप्नों में खोई रहती है, तो उसकी इच्छा क्या होती है, क्या बनने की होती है? तो पहला तो मैनेजर बनना चाहती है, ये ठीक है, एक्ट्रेस भी बनना चाहती है, फैशन डिजाइनर भी बनना चाहती है, यानी कि जो भी ऑप्शन दिया गया है वो सब वो बनना चाहती है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अब आपके सामने एक स्टेंजा दिया हुआ है, एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, पहले हम लोग पढ़ते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माय मदर बिसाइड मी डोज ओपन माउथ हर फेस एसिंग लाइक दैट ऑफ कोर्स एंड रियलाइज विद पेन। तो दिस स्टेंजा या दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम माय मदर एट 66। This poem is written by Kamala Das. ये कमला दास के द्वारा लिखा गया है, और इस पोयम में यही जिक्र किया गया है कि पोएट जो है वो ड्राइव करते हुए अपने घर से कोचीन एयरपोर्ट जा रहे हैं, एंड बिसाइड हर हर मदर वॉज सिटिंग, उसकी माँ बैठी हुई है। अब माँ का जो उम्र है वो ज्यादा हो गया है, तो ऑब्वियसली है कि लैक ऑफ एनर्जी आप उनमें देखेंगे, तो माँ जो है वो डोज अप, उनको नींद आ रहा है, ओपन माउथ, और डोज अप करने का मतलब ही है आपका मुंह खुला रहेगा, एंड हर फेस एशियन लाइक दैट ऑफ कोर्स, उनकी चेहरे देखते हैं वो जो राइटर है वो अपनी माँ के चेहरा देखते हैं तो उनको लगता है कि एकदम चेहरा बेजान हो गया है, कोई कलर नहीं है, एकदम एशियन राह की तरह चेहरा हो गया है, एंड रियलाइज विद पेन, वो रियलाइज करने लगते हैं वो दर्द, वो बचपन में जो दर्द महसूस किए थे वही दर्द कि माँ के बिछोड़ने का, कि अब माँ इस दुनिया में नहीं रहेगी, माँ जो है वो छोड़ के चले जाएगी, तो वही डर इनको सताने लगता है, ठीक ना। तो अगर ये क्वेश्चन यहाँ ये भी दे सकता है
कि फ्रॉम विच पोयम दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, तो किस एक्सट्रैक्ट, किस पोयम से एक्सट्रैक्ट को लिया गया है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, माय मदर एट 66 एंड हु इज द पोएट, पोएट कौन है, तो कमला दास, ठीक ना। तो आपको ये दो बात याद रखना है, ये आप थोड़ा सा पोयम को बार बार पढ़ लेंगे एग्जाम में जाने से पहले, दो तीन बार आप सभी पोयम को पढ़ लीजिएगा ताकि सभी स्टेज आपको याद हो जाएंगे कि किस पोयम से लिया गया है, उसके पोएट का नाम क्या है, ठीक ना। चलो अब क्वेश्चन हम लोग 17 देखते हैं। द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोयम, किसे लिया गया भाई, माय मदर एट 66, जो अभी बोले माय मदर एट 66 ये लिया गया, ठीक ना। चलिए यहाँ जो भी पोयम दिया गया है वो हमारे सिलेबस में है, हमको पढ़ना है। कीपिंग क्वाइट जिसको लिखे हैं पाब्लो नेरुदा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है, और रोड साइड स्टैंड और इसको लिखे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये याद रखिएगा कि कीपिंग क्वाइट को कौन लिखे हैं, पाब्लो नेरुदा लिखे हैं, ठीक ना। और अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन कीट्स, और ये रोड साइड स्टैंड लिखे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये आपको याद रखना है, ठीक ना। और माय मदर इज 66 कमला दास। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू। तो हम लोग देखे थे कि पोएट वाज ड्राइविंग हर कार फ्रॉम पेरेंट्स होम टू कोचिन एयरपोर्ट, तो कहां जा रहे हैं, कोचिन एयरपोर्ट, ठीक ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा ना। चलिए नेक्स्ट है, हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट, पोएट के बगल में कौन बैठा था। तो पोएट के बगल में पोएट उनकी माँ जो थी उनके साथ जा रही थी, तो आंसर क्या हो जाएगा, हर मदर। तो उनके बगल में कौन बैठे थे, उनकी माँ बैठी थी ना। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट टाइप्स ऑफ वार डज द पोएट टॉक अबाउट इन द पोएम कीपिंग क्वाइट। तो पहले तो हम लोग को ये याद रखना है कि कीपिंग क्वाइट के पोएट का नाम क्या है, पाब्लो नेरुदा, जस्ट अभी लिखे हम लोग। एंड इन दिस पोएम द पोएट हैज टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वार, अनेकों प्रकार के वॉर के बारे में जिक्र की है, जिसमें से ग्रीन वॉर, वॉर विद गैस, वॉर विद फायर, यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि ये सभी वार का जिक्र किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम लोग, 21। हाँ, तो whom did the enchanted youth in the moon resort to seek? तो देखो ये जो क्वेश्चन है वो लिया गया है A thing of beauty, a thing of beauty, इसके जो पोएट है वो है जॉन कीट्स, जॉन कीट्स। और इसमें वो शुरू में जिक्र किया गया है कि एक यूथ था इंडिमियोन नाम का, और उसे रात को एक स्वप्न आती है, और उस स्वप्न में मून गॉडेस को दिखता है, और उन्हीं के सुंदरता पे वो काफी मोहित हो जाता है, एंड ही स्टार्टेड टू सर्चिंग, वो खोजना शुरू कर देता है। तो ये जो क्वेश्चन बोल रहा है कि हुम डिड इनचैंटेड यूथ इंडिमियोन रिजॉल्व टू सीक, कि जो यूथ है इंडिमियोन वो किसको खोज रहा था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, कि सिंथिया द मून गॉडेस। देखो नेचर से रिलेटेड पोएम है, हिज बिलवड, वो बिलवड तो हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो स्वप्न देखा था और इसके बाद उसके सुंदरता पे मोहित होकर खोजने लगा था, तो इसलिए आंसर ए सेटिस्फैक्ट्री आंसर होगा ये, ठीक ना। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोयम, इस पोयम में वो थिंग्स ऑफ ब्यूटी क्या मेंशन किया गया है। तो थिंग ऑफ ब्यूटी में जो भी ब्यूटी की बात की गई है, नेचुरल ब्यूटी, तो प्राकृति के जितनी भी सुंदर वस्तुएं उनके बारे में जिक्र किया गया है, तो चलो प्राकृति की चीजें हम लोग देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है, सन एंड मून, सन एंड मून। तो
ये भी प्राकृतिक की चीज है, नेचुरल थिंग्स है, यंग ट्रीज एंड स्ट्रीम ये भी नेचुरल थिंग्स है, सी फ्लावर्स ये भी नेचुरल थिंग्स है, प्राकृतिक की वस्तुएं है। सो डी विल बी द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, सभी इसके जो ऑप्शन है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 23। हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल जो लिखा गया है जैक फिनी के द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया है, जैक फिनी के द्वारा लिखा गया है थर्ड लेवल, जैक फिनी। तो जैक फिनी के द्वारा लिखा गया है और इसमें सैम जो है वो एक साइकेट्रिस्ट एंड फ्रेंड ऑफ चार्ली, चार्ली और मेन कैरेक्टर के रूप में आए हैं, ठीक ना, और इनके एक फ्रेंड है मनोरोग विशेषज्ञ, साइकेट्रिस्ट का हिंदी होता है, वो साइकेट्रिस्ट है सैम। तो हम कह सकते हैं कि सैम क्या है, थर्ड लेवल में साइकेट्रिस्ट एंड फ्रेंड ऑफ चार्ली, चार्ली के दोस्त है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, लेट्स टाइगर बीवेयर, हु सेड दिस। तो सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है लेट्स टाइगर बीवेयर, ये स्टेटमेंट है वो लिया गया है द टाइगर किंग से। द टाइगर किंग को लिखे कौन है, कल किंग। तो टाइगर किंग जो आपके सेकेंड बुक जिसका विस्टास नाम है उसे लिया गया है, और उसमें हम लोग देखे कि जो टाइगर किंग है यानी कि प्रिंस जंगजंग बहादुर, वो जब बहुत कम उम्र में थे तभी जो एस्ट्रोलॉजर थे वो भविष्यवाणी किए थे कि किंग विल बी टेक बाय टाइगर। तो उन्होंने बहुत कम उम्र में बोल दिया था कि लेट्स टाइगर बी वेयर, ठीक ना। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी द प्रिंस जंगजंग बहादुर ये बात को बोले थे कि लेट्स टाइगर बी वेयर, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, फॉर हाउ मेनी इयर्स डिड गोंडवाना एग्जिस्ट, गोंडवाना का जिक्र किया गया है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ठीक ना, जिसके राइटर है तिसानी दोषी। तो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से लिया गया है, जिसमें वो बताए हैं, जिक्र किए हैं अंटार्कटिका की यात्रा पर गए थे उसके बारे में उन्होंने बताया ना। तो यहाँ गोंडवाना एग्जिस्ट कब करता था, 650 मिलियन ईयर एगो, 650 मिलियन ईयर्स एगो की बात है, तब ये गोंडवाना एग्जिस्ट करता था, ठीक ना। व्हाट इज द एकेडमिक सोकाल्स्की, तो ये जो चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जिसे लोग यात्रा किए थे अंटार्कटिका गए थे, वो अंटार्कटिका जाने के लिए जो शिप का यूज किए थे वो था रशियन रिसर्च वेसल, ठीक ना, जिसको क्या नाम दिया गया है, एकेडमिक सोकाल्स्की। तो ऑप्शन बी हो जाएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, द वुंडेड सोल्जर ऑफ द स्टोरी, दई नेमी, दई नेमी के राइटर कौन है, पर्ल एस बक। पहले तो हम लोग को ये याद रखना है, पर्ल एस बक के द्वारा ये लिखा गया है चैप्टर दई नेमी, ठीक ना। और ये सेकेंड वर्ल्ड वार का स्टोरी है, तो सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान और अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे। तो ये जो क्वेश्चन पूछा है कि द वुंडेड सोल्जर ऑफ द स्टोरी, इस द नेवी नामक स्टोरी में जो घायल सोल्जर है वो बिलोंग टू किस आर्मी से बिलोंग करती है, तो ये रशिया तो थी नहीं, ब्रिटिश आर्मी नहीं थी, ये यूएस नेवी से बिलोंग करता था ना। यहाँ थोड़ा देखने वाली है, आर्मी आर्मी है और यहाँ भी नेवी आर्मी, थोड़ा सा सेम प्रोनाउंसिएशन लग रहा है, तो आप कंफ्यूज कर सकते हैं, यहाँ कंफ्यूज होना नहीं है, थोड़ा सा देखना है। और सबसे पहले है कि हड़बड़ाना नहीं है, आप पहले सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद ही आप आंसर को टिक करेंगे, आंसर को लिखेंगे ना। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डिड मिस्टर लैम ग्रो इन हिज गार्डन, तो अपने गार्डन में मिस्टर लैम क्या उगाते थे। तो ये क्वेश्चन जो लिया गया है ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट से लिया गया, जिसमें दो कैरेक्टर है, एक मिस्टर लैम और एक है डेरी, ठीक ना। तो ये मिस्टर लैम जो है ओल्ड मैन है, अराउंड 50 इनका उम्र है, और इनका एक पैर जो है वो टिन का बना हुआ, बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज वन लेग,
बाइकॉम एंड टेरी जो है वो भी फिजिकली इम्पेयर्ड है, दोनों फिजिकली इम्पेयर्ड पर्सन की स्टोरी है। मिस्टर लैम जो है पॉजिटिव एटीट्यूड वाले इंसान है, लेकिन जो टेरी है वो निगेटिव एटीट्यूड, यानी कि चीजों के बारे में वो हमेशा सकारात्मक सोच रखते हैं। तो ये अपने बगीचे में बोले तो गार्डन में वो क्या उगाते हैं, तो एप्पल, ठीक ना, एप्पल उगाने का काम करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ते हैं हम लोग कि Why did Bama reach in 1 hour instead of 10 minutes? तो पहले तो ये बता दे तुम लोग को, ये जो स्टोरी है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से लिया गया है ये क्वेश्चन, जिसमें दो स्टोरी दिया गया है, एक है इट वर ह्यूमन बींग और एक दूसरा जो पहला जो स्टोरी है वो ये है कि कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। तो ये जो क्वेश्चन है 29 नंबर, वो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड जिसको लिखे हैं जीत कलासा एंड बामा, क्योंकि इसमें दो स्टोरी है, ठीक ना, पहला है कि कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर और दूसरा है वी टू आर ह्यूमन बींग। तो ये बामा नामक कैरेक्टर दूसरे पार्ट का है, तो वो पूछा है कि बताओ 10 मिनट का समय लगता था स्कूल से घर जाने में और वो समय को 1 घंटे में ट्रेवल करते थे, वो डिस्टेंस को 1 घंटे में ट्रेवल करते थे, क्या रीजन थी? तो बिकॉज ही यूज्ड टू स्टॉप एट एवरी शॉप, बिकॉज ही यूज्ड टू वॉच शोज ऑन द रोड, बिकॉज ही यूज्ड टू एंजॉय ऑल फन ऑन द रोड, ये सभी सभी के कारण वो रास्ते पे जो जो एक्टिविटी होती थी वो सब देखने की वजह से 10 मिनट के जो डिस्टेंस था उसको 1 घंटे में ट्रेवल करती थी। अगला क्वेश्चन जो है जीत कला, तो जीत कला को जस्ट बता है, ये जो कैरेक्टर है वो मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड के पहले पार्ट के कैरेक्टर है, जिसका नाम है कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जिसको जीत कला सा खुद लिखे। तो वाई डिड जीत कला नॉट लाइक टू कट हर हेयर, तो इनके बाल काटे गए थे, तो ये पूछा है कि जीत कला अपने बालों को काटना पसंद क्यों नहीं करती है, बिकॉज ही लाइक लॉन्ग हेयर, नहीं ऐसा कुछ बात नहीं था, बिकॉज ही क्योंकि जिस स्कूल में इनका एडमिशन किया गया था वहां पे लॉन्ग हेयर तो चलता नहीं था, लॉन्ग हेयर नहीं, बिकॉज ही डिडंट लाइक एनीवन टू टच हर हेयर, ये भी नहीं है, बिकॉज हर मदर हैड टोल्ड हर दैट मॉर्नर एंड कावर्ड कीप सच हेयर, उनकी माँ बचपन में कही थी और वो इम्पैक्ट ज्यादा था इनके ऊपर कि मॉर्नर जो होते हैं और कावर्ड जो होते हैं वो ऐसे हेयर रखते हैं। तो आंसर सी सही होगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। तो इस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो 13 है, ठीक ना। तो मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन लाया था, और सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव आपको बहुत सारे प्रोवाइड मटेरियल कर दिए गए हैं, और आप मॉडल सेट के साथ और भी इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं आप खुद से उनका थ्रोली देख लीजिएगा एग्जाम जाने से पहले, आप तो आपके लिए बहुत ये हेल्पफुल होगा। तो ठीक है, दैट्स ऑल।